आज मेरी वीडियो का टॉपिक है गाइस, विटामिन सी फेस मास्क फॉर यूथफुल स्किन। यस गाइस, तो आज जो मैं आपको फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा फेस मास्क है जो आप अपनी स्किन पे अगर रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही यंगर और यूथफुल हो जाएगी। तो गाइस, आज मेरे पास है टमाटो का पल्प, यानी टमाटर जो होता है उसको मैंने अच्छे से रन कर ये पल्प निकाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टमाटर होता है उसमें कितना हेल्दी होता है स्किन के लिए, स्किन पे जितने भी पिंपल्स होते हैं और एक्ने होते हैं उनके मार्क्स को वो हटा देता है, और यहाँ तक कि इसमें विटामिन सी होता है। तो आज जो मैं फेस मास्क आपको बनाना सिखाऊंगी वो स्पेशली विटामिन सी फेस मास्क है जो आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं उनको हटा देगा और आपकी स्किन को यूथफुल और एकदम यंगर ग्लो देगा। ओके गाइज, तो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी विटामिन सी फेस मास्क फॉर यंगर यूथफुल स्किन। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, आधा लेना है टमाटर और उसको अच्छे तरीके से पल्प निकाल लेना है। ठीक है गाइज, पल्प निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस टमाटो को हाफ टमाटो का पल्प निकालकर उसको टमाटो के पल्प को 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या एड ऑन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए गाइज, तो इसमें अब आपको एड ऑन करना है एलोवेरा जेल। यस गाइज, तो जो एलोवेरा जेल होता है, जैसे कि आप जानते हैं एलोवेरा जेल के अंदर कितने सारे विटामिन होते हैं जो स्किन को इतने अच्छे से हमारे ग्लो देते हैं, डार्क धब्बों को रिमूव करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है, और इसके इतने सारे यूजेस मैंने आपको बताए भी हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है गाइस, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है इसके बाद। अब आपको क्या करना है, ये एक तरीके से मसाज जेल बन गया है आपका। क्या बन गया ये, मसाज जेल। तो आपको इसमें से हल्का सा मसाज जेल लेना है और आपको अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज करनी है कम से कम 4 से 5 मिनट इसी वाले फेस मास्क से। ठीक है, और फिर जो आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी बचेगी अब आप उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको समझ में आया कि जो आपको एलोवेरा जेल और आपको ये चीज मिक्स करनी है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, इस मसाज जेल से अपने फेस पे 5 मिनट के लिए मसाज करनी है, और थोड़ा ही मसाज जेल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और अब आपको इसके अंदर जो भी आपका रह जाएगा, मतलब जो मसाज जेल आपका रह जाएगा, अब आप उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ फेस मास्क बनाने के लिए। गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ आपको इस मसाज जेल में क्या मिक्स करना है। तो आपको इस मसाज जेल में मिक्स करना है आंवला पल्प पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं मिक्स करना है आपको। और आप ये देख लेना कि आपकी क्वांटिटी कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप आंवला पल्प पाउडर को इसमें। गाइज, ये विटामिन सी फेस मास्क जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आप इसको रोज लगा सकते हैं। और आंवला पल्प पाउडर आप कहाँ से ले सकते हैं, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं, या आप घर पे भी बना सकते हैं। अब ये जो बना है ये है फेस मास्क। इससे पहले जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो था आंवला वो था मसाज जेल, जिससे आप मसाज करके अपनी स्किन पे 5 मिनट तक उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए ये वाला फेस मास्क अपने फेस पे लगाना है। अब लगाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली लगाने के बाद आपको ये करना है कि आप इसको 10 मिनट बाद रिमूव करेंगे, ठंडे पानी से धो देंगे, और ठंडे पानी से धोने के बाद आपको इस पे मॉइस्चराइजर लगा लेना है या एलोवेरा लगा लेना है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, विटामिन सी फेस मास्क समझ में आया है और जेल जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें गाइज। अगर आप कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कोई भी मतलब कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी रेमेडी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।